गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे आप GPS भी बोलते हो, और ड्राइवरलेस कार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक डाउट था कि रडार क्या होता है। तो बेटा रडार क्या है? रडार एक सिस्टम है विच इज़ यूज्ड टू टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ द व्हीकल्स, जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, व्हीकल्स जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनकी पोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बेटा आपके जो रडार्स हैं वो गाड़ियों में भी होते हैं, प्लेन्स में भी होते हैं, शिप्स में भी होते हैं, ठीक है। मोस्टली इनका यूज़ हम शिप्स एंड प्लेन्स में ज़्यादा करते हैं, बिकॉज जो आपकी प्लेन्स होती हैं बेटा वो एयर में मूव करती हैं, एयर के अंदर हमें पोजीशन नहीं पता चलती कि दूसरे एयरक्राफ्ट्स अगर हमारे जोन में आ जाते हैं तो उन सब की डिटेक्शन करने के लिए, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रडार का यूज़ करते हैं। अब टॉपिक शुरू करते हैं हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो बेटा हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं GPS। GPS क्या होता है? यू हैव हर्ड अबाउट सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड एंड सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट्स टू मूव अराउंड द अर्थ। बेटा आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स के बारे में साइंस में पढ़ा भी होगा कि सैटेलाइट्स क्या की जाती है, लॉन्च की जाती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ अपनी डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं और सक्सेसफुली उनको क्या करते हैं बेटा, ऑर्बिट्स के अंदर प्लेस करते हैं। इनमें से बेटा कुछ आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो ऐसी भी होती हैं जो आपको आपकी पोजीशन के बारे में बताती है कि आप एग्जैक्टली किस लोकेशन के ऊपर हो, आपको सा रूट फॉलो कर सकते हो। तो यही सारी जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं ये किस में मदद करती हैं? आपके ग्लोबल पोजीशन सिस्टम में आपकी मदद करती हैं। तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, व्हाट इज़ GPS। तो एग्जैक्टली GPS की डिफाइन क्या होती है? ए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। ये क्या है? एक सैटेलाइट के ऊपर बेस्ड क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? जो आपको आपकी लोकेशन बताता है, जो आपको आपकी पोजीशन बताता है, वो सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स टू ट्रांसफर सिग्नल इन्फॉर्मेशन और लोकेट पोजिशन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। ये क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सैटेलाइट से मिलकर क्या बनता है? आपका पूरा सिस्टम बनता है जिसके अंदर क्या किए जाते हैं? सिग्नल्स भेजे जाते हैं। किस पर्पज़ के लिए? जिससे क्या किया जा सके, आपकी पोजिशन का पता लगाया जा सके कि अर्थ पर आपकी पोजिशन क्या है। सो GPS क्या है? बेसिकली एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं जो हमें सिग्नल सेंड करते हैं रिगार्डिंग अवर पोजिशन, हमारी पोजिशन के रिगार्डिंग। ओके, ए पॉकेट साइज डिवाइस कॉल्ड GPS रिसीवर विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द सैटेलाइट्स कैन टेल इट्स यूजर द लोकेशन और द पोजिशन एट एनी मोमेंट। तो बेटा जो ये GPS रिसीवर है आपका, ये क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है सैटेलाइट्स के थ्रू और आपको उसकी क्या बताता है? आपकी पोजिशन बताता है, आपकी लोकेशन बताता है कि अर्थ के ऊपर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद बेटा जो आजकल आपके मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसके अंदर भी क्या आते हैं? आपके GPS सिस्टम्स ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका गूगल मैप्स है वो भी क्या है? एक GPS सिस्टम ही है, GPS का ऐप ही, एप्लीकेशन ही है आपका जो आप यूज़ करते हो। वो आपको क्या बताता है? आप एग्जैक्टली आपकी लोकेशन क्या है, आपको अगर कहीं जाना है तो आपको डेस्टिनेशन का रूट भी बता देता है, आप कितने टाइम में वहाँ पर पहुँच जाओगे, वहाँ पर उस एरिया में ट्रैफिक है या नहीं है, तो वो रेड कलर में आपको इंडिकेट कर देता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ए मोबाइल फोन प्रोग्राम्ड विद GPS फोन ट्रैकर ट्रांसफॉर्म स्मार्टफोन इनटू ए GPS टूल टू क्रिएट अ सिस्टम दैट अलाउ टू सी वेयर यू आर एंड व्हाट योर स्पीड इज एंड द टाइम। वही चीज़ मैंने बोला बेटा, आपको ये जो GPS आपके मोबाइल फोन्स के अंदर होता है ये आपको आपकी पोजीशन बताता है, आपकी स्पीड से मूव कर रहे हो, आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। GPS बेटा हर चीज़ के अंदर होता है, आपकी कार्स के अंदर भी होता है, बोट्स के अंदर भी होता है, शिप्स के अंदर होता है, एरोप्लेन्स के अंदर होता है, आपके मोबाइल फोन्स के अंदर होता है, हर जगह हम किसका यूज़ करते हैं? GPS का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कोई कैब ली होगी बेटा, तो उसके अंदर क्या होता है, गाड़ियों के अंदर GPS स्क्रीन लगी होती है जिसके अंदर आप अपनी क्या डाल देते हो, डेस्टिनेशन डाल देते हो, तो वो आपको बेस्ट रूट प्रोवाइड कर देती है, आपको किस रूट पर आप जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हो, कौन सा रूट आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा कि जो GPS की सर्विसेज होती है बेटा, यह आपको वर्ल्ड में कहीं पर भी मिल सकती है। अगर वेदर का इसके ऊपर क्या होता है बेटा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपका वेदर ख़राब भी है तो भी ये GPS आपको आपकी लोकेशन इंडिकेट करता है, आपकी पोजीशन को इंडिकेट करने में आपकी मदद करता है। इसने लिखा हुआ है एंड इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द वेदर। जो GPS सर्विसेज हैं वो किस पर डिपेंड नहीं करती, आपकी वेदर कंडीशन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार क्या होती है? ड्राइवरलेस कार इज़ अ सेल्फ ड्राइविंग कार दैट इज़ कैपेबल ऑफ सेफली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर। ड्राइवरलेस कार बेटा वो कार्स होती है जो सेल्फ ड्राइविंग होती है, मतलब खुद से चलती है। इसके अंदर आपको किसी भी ह्यूमन ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सेफली एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर पहुंचा सकती है। सिर्फ वुमेंस की रिक्वायरमेंट किस पर्पज़ के लिए होती है? फॉर प्रोवाइडिंग द डेस्टिनेशन। आपको सिर्फ आपका क्या बताना होता है, डेस्टिनेशन बताना होता है कि हमें यहाँ पे जाना है, वो ऑटोमेटिकली आपको सेफ रूट से, आपको बेस्ट रूट से आपके लोकेशन तक पहुँचा देती है। इट इज़ अ कार ऑफ फ्यूचर। इनको हम फ्यूचर कार्स भी बोलते हैं क्योंकि ये देख भी सकती हैं, बातें भी करती हैं, ड्राइव भी करती हैं। अब देख और बातें कैसे करती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे।
बेटा ड्राइवरलेस कार की फंक्शनिंग बता रखी है कि ड्राइवरलेस कार फंक्शन किस तरीके से करती है, वो वर्क किस तरीके से करती है। तो सबसे पहले आता है आपके रडार सेंसर्स। रडार सेंसर्स क्या करते हैं, इट डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ द व्हीकल्स नियर बाय। जैसे मैंने रडार की डिफाइन स्टार्टिंग में आपको बताई थी, रडार क्या करता है, पोजिशन बताता है। तो सेम एज इट इज जो रडार सेंसर्स हैं वो भी क्या करेंगे, आपको आपके आसपास के जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, वीडियो कैमराज होते हैं जो किस में मदद करते हैं, देखने में मदद करते हैं। इट डिटेक्ट ट्रैफिक लाइट, ये ट्रैफिक लाइट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, रोड साइंस के बारे में देगा, रोड के ऊपर कौन कौन से साइन, जैसे कि अगर आगे कोई स्कूल होता है तो रोड के ऊपर साइन बना होता है, ब्रेकर्स होते हैं तो रोड के ऊपर कोई ना कोई साइन बना हुआ होता है, अगर आगे क्या है बेटा क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह है, तो वहाँ पर कोई ना कोई साइन आपका बना हुआ होता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, आपके वीडियो कैमराज देते हैं। एंड ये और किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आसपास अगर कोई दूसरा व्हीकल है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इट ऑल्सो लुक्स फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड अदर ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे। ये आपको बेटा और कौन इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो पर्सन क्या चल रहे हैं आपके रोड के ऊपर चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताता है। ऑब्स्टेकल्स मतलब ब्रेकर्स वगैरह अगर आते हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका रडार सेंसर्स। रडार सेंसर्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द एजेस ऑफ द रोड एंड आइडेंटिफाई द मार्किंग। बेटा आपके जो रोड के एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, उनके बारे में, रोड के ऊपर जो भी आपके जैसे कि फुटपाथ वगैरह के लिए सिंबल्स बने हुए होते हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके कौन से सेंसर्स हैं, रडार सेंसर्स हैं। उसके बाद आते हैं बेटा अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। ये क्या किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपकी जो गाड़ी होती है, आपका जो व्हीकल है उसके व्हील्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये किस में पर्पज में मदद करते हैं, इट डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ द व्हीकल्स वाइल पार्किंग। ये आपके पोजिशन बताते हैं आपके व्हीकल्स की जब भी आप क्या कर रहे होते हो, पार्किंग कर रहे होते हो। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का वर्किंग में आता है वाइल पार्किंग, जब आप क्या कर रहे होते हो, अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे होते हो। नेक्स्ट आता है सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बेटा, इट एनालाइज ऑल द डाटा फ्रॉम द वेरियस सेंसर्स। ये क्या करेगा, जितने भी सेंसर्स ने आपको डाटा भेजा है उन सबको एनालाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टेयरिंग व्हील को, एक्सेलरेशन को, ब्रेकिंग को, इन सबको क्या करता है बेटा, आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों टॉपिक्स था, अच्छे से इनको पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो तो बता देना। ओके, थैंक यू।